हमारी समृद्ध संस्कृति के प्रतीक अबाना मेले हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। मेलों के माध्यम से विभिन्न समाज और संस्कृतियों का मिलन होता है, जिससे लोगों में परस्पर प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। यह बात बुधवार को कृष्ण लीला स्थली जड़खोर में बाबा घनश्याम दास की 27वीं पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल मेले में मुख्य अतिथि के रूप में बड़ी संख्या में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए बसपा विधायक जोगिंदर सिंगावाना ने कहे। उन्होंने शिक्षा को विकास की कुंजी बताते हुए ग्रामीणों से बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाकर परिवार, समाज और देश के विकास में योगदान देने की बात कही तथा गुर्जर समाज के लोगों से कुरीतियों को छोड़कर संगठित होकर विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसादी ग्रहण की तथा मेला आयोजकों को 11,000 रुपए की राशि प्रदान की। मंदिर के महंत द्वारा भाना और विशिष्ट अतिथि भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य लखपत गुर्जर का दुपट्टा और ग्रामीणों द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व सरपंच मोहन सिंह गुर्जर ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। और बाबा के बारे में तो मैंने जितनी जानकारी मुझे दी साथियों ने, मैं तो गदगद हो गया। बहुत मन लगा मेरा सारी चीजों को सुनकर। साथियों ने बहुत सारी चीजें बताई कि गांव में बाबा को पानी लेके आए तो उन्होंने कहा कि तो खारा पानी है, तो वो सारा पानी मीठा हो गया। तो मैं तो बहुत धन्य हूं ऐसे महात्माओं से कि जिनके जहां जहां पैर पड़े वहां तमाम विकास की धाराएं, विकास की नदियां बह रही हैं। और खाली उठाया नहीं है, उसको पूरा भी कराया है। आपको मैं बता दूं कि जब से देश आजाद हुआ है उस टाइम से लंबे समय से उज्जैन के अंदर डिग्री कॉलेज की मांग चली आ रही थी। जो हमारे बच्चे और बच्चियां थी, बेटियां, वो 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर कॉलेज में पढ़ने जाती थी। और मैं तो जानता हूं जहां उस क्षेत्र में जिस समाज के लोग रहते हैं, मैं तो भरी भांति परिचित हूं उस समाज से कि बच्चियों को दूर नहीं भेजते। गलत तो नहीं कह रहा भैया, नहीं भेजते। तो आपके इस बच्चे ने, आपके इस भाई ने मजबूती के साथ राजस्थान की विधानसभा में आवाज उठाई कि उज्जैन में एक डिग्री कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, जो आजादी के समय से मांग चली आ रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस सूबे के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को और उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट साहब को कि जिन्होंने बहुत गंभीरता से उस मेरी मांग को लिया और सबसे पहले बजट में उज्जैन में डिग्री कॉलेज मैंने करवाया।